नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष दीपावली का महापर्व 19 अक्टूबर के दिन रहेगा। हिंदू धर्म अनुसार हिंदुओं का वर्ष का यह सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। प्रत्येक हिंदू परिवार माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण वर्ष प्राप्त हो, इसी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए अपने घर और व्यापार स्थान की साफ सफाई, रंग रोगन कर माँ लक्ष्मी के स्थायी वास की कामना करता है और दीपावली के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से घर व व्यापार स्थान पर माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन भी करता है। मित्रों, व्यक्ति अपने यथा ज्ञान अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना तो कर लेता है, किंतु शास्त्र ज्ञान पूर्ण रूप से ना होने के कारण उन विशेष बातों का ध्यान नहीं रख पाता जिन बातों का शास्त्रों में अधिक महत्व बताया गया है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको घर और व्यापार स्थान की पूजा में किन किन बातों का रखना चाहिए विशेष ध्यान, जिससे माँ लक्ष्मी हो प्रसन्न और पूर्ण वर्ष दे आपको मनचाहा वरदान के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए जान लेते हैं क्या है वह विशेष जानकारी जिसे करने पर माँ लक्ष्मी होगी प्रसन्न और देगी आपको मनचाहा वरदान। दीपावली के दिन घर में पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा को सुख शांति प्रसन्नता सकारात्मक ऊर्जा का कारक माना जाता है और जिस घर में सुख शांति प्रसन्नता सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। तो वहीं व्यापार स्थान में पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानी जाती है। व्यापार स्थान में दीपावली की पूजा उत्तर दिशा की तरफ मुख करने पर माँ लक्ष्मी व कुबेर का वास व्यापार स्थान पर बना रहता है। दूसरी विशेष जानकारी, जिस बात की जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दीपावली पूजन में घर की पूजा स्थान में आपको आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र लगाकर पूजन करना चाहिए, तो वहीं व्यापार स्थान पर खड़ी लक्ष्मी का चित्र लगाना चाहिए। शास्त्रों में लक्ष्मी के दो रूप बताए गए हैं, चल लक्ष्मी व स्थिर लक्ष्मी। बैठी लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी व खड़ी लक्ष्मी को चल लक्ष्मी बताया गया है। तो जब भी घर या तिजोरी में लक्ष्मी का पूजन करे तो बैठी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, तो वहीं व्यापार स्थान की पूजा में खड़ी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए जो स्वयं चलकर धन लाए। व्यापार स्थान पर धन आता जाता रहता है तो ही व्यापार में वृद्धि होती है। तीसरी विशेष बात, यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली पूजन पर हम सभी घर और व्यापार स्थान के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं, किंतु शास्त्र प्रमाण अनुसार जहां घर के द्वार पर शुभ पहले व लाभ बाद में लिखना चाहिए तो वहीं व्यापार स्थान पर लाभ पहले व शुभ बाद में लिखना चाहिए। घर में समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य होते रहें, शुभ कार्य होते रहें, सुख समृद्धि बढ़े, इसलिए शुभता को प्रथम पद दिया गया है। तो वहीं व्यापार में लाभ पहले हो इसलिए लाभ को प्रथम पद दिया गया है। व्यापार स्थान के पूजा घर, तिजोरी व व्यापार स्थान के मुख्य द्वार पर लाभ पहले व शुभ बाद में लिखना चाहिए। चौथी विशेष बात मित्रों, दीपावली के दिन घर की पूजा में आपको कुछ चांदी की वस्तु अवश्य रखनी चाहिए, जैसे चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन, चांदी की अंगूठी या कुछ भी। तो वहीं व्यापार स्थान की पूजा में द्रव्य दक्षिणा अर्थात चल मुद्रा पूजा में अवश्य रखनी चाहिए, जैसे 11, 21, 51, 101। और दूसरे दिन अर्थात विसर्जन के दिन जो मुद्रा आपने दीपावली की रात में पूजन में रखी थी उस मुद्रा को मूली बांधकर अपनी तिजोरी या जिस ड्रॉ में आप पैसे रखते हैं उसमें पूर्ण वर्ष के लिए रखना चाहिए। इस प्रयोग से होती है व्यापार में वृद्धि। अन्यत्र पूजा व्यापार और घर में एक ही तरह से की जाती है, किंतु इन विशेष बातों का ध्यान रखने से व्यापार में होती है निरंतर वृद्धि। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप अपने जानकारों मित्रगणों के साथ शेयर अवश्य करें। इस दिवाली माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।